अब ऐसा नहीं है कि मैं हर साल बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारता हूँ, मैं भी एक ऐसा ही बंदा हूँ जिसने पिछला साल तकरीबन ज़ाया ही किया। अब आप लोग सोचोगे कि खुद तो इसने पिछला साल ज़ाया किया और आया हमें बड़ा मशवरे देने वाला, लेकिन किसी ने क्या खूब ही कहा है, परफेक्शन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछला साल पूरा ही मेरा बैड एक्सपीरियंस इससे बड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग उन अच्छी चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते जो हमारे साथ होती हैं, सिर्फ देखते हैं तो वो बैड एक्सपीरियंसिस। लेकिन पिछला साल थोड़ा सा बैड था, थोड़ा सा मतलब था। मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि आप ये साल अच्छे तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। सो यू कैन फॉलो दिस ट्यूटोरियल और नॉट, आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरा भी हाल कभी पूछ लिया करो यार, मैं खुद ही बताता रहता हूँ कि मैं। खैर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप लोग ये साल अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से किस तरह से गुजार सकते हो। तो आप लोग ये मत सोचना कि है अब्दुल मोइज़ हमें बताएगा, आप लोग सोचो अब्दुल मोइज़ हमें बताएगा कि प्रोडक्टिव तरीके से कैसे साल गुजार सकते हो। खैर, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आप इस ईयर को किस तरह से प्रोडक्टिव तरीके से गुजार सकते हो। अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो, नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये वीडियो मेरी है और मैं नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई ना कोई बुक लेके उसकी रीडिंग शुरू कर दो, क्योंकि बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो हमारे अंदर कोई ना कोई चीज़ डिवेलप कर देती है, अच्छी थॉट्स डिवेलप कर देती है। तो जो मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूँ वो 7 Habits of Highly Effective People है। असल मकसद था शोखी मारना कि मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को बताना। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि ये वाली बुक पढ़ो, लेकिन कोई ना कोई बुक शुरू कर दो, क्योंकि जब आप कोई अच्छी बुक पढ़ना शुरू करोगे कि आपका दिमाग एक तरह से डाइवर्ट हो जाएगा आपकी स्टडीज से। और नंबर टू इज़, आप लोगों ने अपने कोई ना कोई ईयर के टारगेट्स रखे होंगे कि हम ये करेंगे इस साल, या इस साल हमने ये अकॉम्प्लिश करना है, और अगर आपने नहीं रखे तो वेलकम, आप भी मेरी तरह ही हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने कोई सेट किए हैं अपने गोल्स, तो ईयर के कोई सेट किए हैं, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो इस वेबसाइट, आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेबसाइट, थैंक यू। तो एक वेबसाइट है Evernote, वहां पर जाओ और वहां पर जाकर अपना अकाउंट बनाओ, और वहां पर आप लोग अपना ईयरली गोल्स सारे लिख सकते हो कि मैंने इस साल ये करने हैं, और उन गोल्स को ट्रैक कर सकते हो कि इस साल के गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए मैंने इस महीने में क्या किया, इस महीने में क्या किया, कि ओवरऑल मेरे गोल्स जो हैं वो अकॉम्प्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। और इसमें आप अपने वीकली गोल्स भी बना सकते हो और डेली गोल्स भी बना सकते हो, इवन आप लोग अपनी डेली डायरी भी लिख सकते हो, आइडिया लिख सकते हो। मैं अपने ब्लॉग के आइडियाज आजकल उसी डायरी पे, उसी वेबसाइट पे लिख रहा हूँ, इसलिए इस तरह के ब्लॉग आ रहे हैं। ये द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, कि आप लोग एक बॉक्स लो और कुछ स्टिकी नोट्स लो। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम लोग कहते हैं हमारा पिछला साल बहुत ही बुरा गुजरा, बहुत ही बुरा गुजरा, बहुत ही बुरा गुजरा, हम सब कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक्चुअली बुरा गुजरा। लेकिन इसमें आपने करना क्या, आपने वो बॉक्स लेना है और स्टिकी नोट्स लेने हैं, और अब आपने करना क्या, जो भी आपके साथ एक दिन में या एक वीक में अच्छी चीज़ हुई है, जाहिर बात है कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है इंसान के साथ, आपके साथ कोई भी अच्छी चीज़ हुई है, वो स्टिकी नोट लो, उस पर लिखो, और वो स्टिकी नोट को फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल दो। एट द एंड ऑफ ईयर आप देखोगे वो बॉक्स भर चुका होगा, भरने से भी ज़्यादा, बल्कि साल के दरमियान में ही बैठ जाए वो बॉक्स, और उसे निकालो और देखो मेरे साथ एक साल में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। देन यू विल बी मोर थैंकफुल देन ऑर्डिनरी वेज, के आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे और फिर कहते हो कि जी हमारा अच्छा साल गुजरा ही नहीं। नंबर फोर इज़ कि आप लोग एक्सरसाइज को शुरू करो, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, कुछ ना कुछ शुरू करो। बिकॉज मैं इसी बुक में पढ़ रहा था कि अगर आप लोग कोई मशीन यूज़ करते हो और उस मशीन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, लेकिन उसकी रिपेयर और उसकी मेंटेनेंस में कोई कॉस्ट नहीं लगाते, ठीक है, एट द एंड ऑफ डे 3 या 4 साल तक वो निकाल जाएगी, लेकिन निकालने के बाद वो ख़राब हो जाएगी, और इस तरह ख़राब होगी शायद आपको वो चीज़ नहीं लेनी पड़े। लेकिन अगर आप उसकी मेंटेनेंस पे थोड़ा थोड़ा खर्चा बाय टाइम लगाते रहते हो, तो वो चीज़ आपकी चलती रहती है। अब अगर आप लोग अपनी बॉडी को ले लो, इसे आप काम लेते हो, बहुत ज़्यादा काम लेते हो, और इसकी मेंटेनेंस के लिए टाइम ना निकालो, 1 घंटा दिन में इसकी मेंटेनेंस के लिए ना निकालो, तो आपकी बॉडी एट द एंड ऑफ योर लाइफ, मतलब 50 इयर्स के बाद जवाब देने लग जाएगी, इसके ऑर्गन्स की लाइफ कम होने लग जाएगी। तो कोई ना कोई एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग 1 घंटे के लिए, जिसमें आपका हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाए, वो करना शुरू कर दो। तो बस ये मेरे कुछ थे जो मैंने अपने लिए सेट किए हैं, जो मैंने अपने लिए चीज़ें इस साल के लिए बनाई हैं, कि यार मैं इस साल को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए ये
चार पॉइंट पॉइंट को फॉलो कर सकता हूँ, तो आप भी फॉलो करो अगर फॉलो कर सकते हो, और मेरे चैनल को भी फॉलो कर लो अगर करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। अच्छी लगी, यू कैन लाइक दिस वीडियो और डिसलाइक दिस वीडियो, आपकी मर्जी है, लेकिन सपोर्ट करो यार। अल्लाह हाफिज़।